से पहले बात डुमरी उपचुनाव की गहमागहमी को लेकर, तो आजसू प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। यशोदा देवी डुमरी से आजसू प्रत्याशी होंगी। 17 अगस्त को नामांकन करेंगी यशोदा देवी। नामांकन में एनडीए के प्रमुख नेता शामिल होंगे। 2019 में भी यशोदा देवी ने चुनाव लड़ा था, हालांकि उस वक्त उन्हें हार मिली थी। दिवंगत जगन्नाथ महतो ने उन्हें तकरीबन 34,000 वोटों से पराजित किया था। लेकिन एक बार फिर से देखिए, उस वक्त समीकरण थोड़े अलग, उस वक्त बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनावी मैदान में थे। इस बार एनडीए एकजुट है और सामने बेबी देवी जेएमएम प्रत्याशी आईएनडीआईए की तरफ से। तो क्या जीत मिलेगी बेबी देवी को या फिर एनडीए गठबंधन रामगढ़ के बाद यहां भी जीत, यहां भी जीत पाएगा, यहां पर भी इसे जीत मिलेगी। अब प्रत्याशियों का ऐलान, आईएनडीआईए की तरफ से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए की तरफ से आजसू की यशोदा देवी में मुकाबला। डुमरी उपचुनाव के लिए आजसू प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। 17 अगस्त को नामांकन करेंगी यशोदा देवी और नामांकन में एनडीए के प्रमुख नेता शामिल रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।